आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने स्थानीय भाषा पर जोर देने के अलावा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की भूमिकाओं पर भी महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल यानी शनिवार को विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम के अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी शामिल हुए। पीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में जुडिशरी संविधान संरक्षक की भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए उसमें से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है, केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम ने न्याय प्रणाली को लेकर कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा और वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि एक गंभीर विषय आम आदमी के लिए कानून की पेचीदगियों का भी है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। सम्मेलन के दौरान पीएम ने कहा ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जब हम आजादी का 100 साल पूरा करें तब एक बेहतर न्याय व्यवस्था बने। फिलहाल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए व्यापक और असरदार काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।